ये एक बर्गर तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मैं थक चुकी हूँ। थक चुकी हूँ मतलब? मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ ऐसे रहते रहते। संजू आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम मुझे पार्क में लेके आए हो, ऐसा लग रहा है हम पिकनिक मनाने आए हैं। मुझे लगा था तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में लेके जाओगे, कुछ स्पेशल करोगे मेरे लिए, तुम मुझे पार्क में लेके आ गए और ये बर्गर खिला रहे हो। तुम्हें पता तो मेरी सिचुएशन क्या है। नेहा और उसका बॉयफ्रेंड 5-स्टार होटल में गए थे अपनी एनिवर्सरी बनाने के लिए, तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन जितना मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूँ ना। ये किया है तुमने मेरे लिए अपनी एनिवर्सरी पे, एक पिकनिक। अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो ये तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। संजू सच में ये है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट? हाँ, कैसा लगा? संजू ये बस एक फोटो है। तुम्हें पता है फोटो कब की है? हाँ, ये हमारी फर्स्ट डेट की फोटो है और ये मेरे फोन में है। कैसा लगा सरप्राइज? तुम ये फोटो क्यों लेके आए हो संजू? ये फोटो मेरे फोन में ऑलरेडी है। ये हमारी फर्स्ट डेट की फोटो है, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, स्पेशल फील होगा। स्पेशल फील होगा? ये है स्पेशल? एक मिनट, तुम मेरे लिए बस यही कर सकते हो। आज हमारी एनिवर्सरी है, मुझे लगा तुम मुझे कोई गिफ्ट दोगे, एक्सपेंसिव पर्स या फोन। प्रिया के बॉयफ्रेंड ने उसे आईफोन गिफ्ट किया था संजू। तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या समझ रही हो संजू? ना तुम मुझे कभी शॉपिंग पे लेके जाते हो और जब देखो पैदल घुमाते रहते हो उधर से उधर, मुझे तुम्हारे साथ शर्म आती है, मेरे दोस्त मेरे इंसल्ट करते हैं। मैं सब करूंगा जो तुमने सोचा हुआ ना, सब करूंगा, बस एक बार मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हो जाए, मुझे किसी भी रोमांटिक मूवी में चांस मिल जाए, फिर देखना जो तुम बोलोगी सब करूंगा तुम्हारे लिए। तुम पिछले एक साल से मुझे यही बोल रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, और रही बात एक्टिंग की तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है, और ये झूठे प्रॉमिस करना बंद करो। नहीं, ये झूठे प्रॉमिस नहीं है, मेरे पास और भी प्लान है। मैं ना छोटे छोटे काम पकड़ूंगा जिससे मुझे एक्सपीरियंस होगा, लोगों से मिलूंगा, उनसे मेरे अच्छे रिलेशन बनेंगे, फिर देखना मुझे किसी न किसी मूवी में काम जरूर मिल जाएगा। लिसन संजू, ये कभी नहीं हो सकता। ना तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, ना तुम्हें एक्टिंग आती है, और कोई टैलेंट नहीं है तुम में। ये एक्टिंग का भूत जितनी जल्दी उतार सको उतनी जल्दी उतार दो अपने सिर से। नहीं, मुझे पता है मैं एक्टिंग में कुछ ना कुछ कर लूंगा। ठीक है संजू, या तो तुम अपनी एक्टिंग को चूज कर लो या मुझे। प्लीज ऐसे मत करो। नहीं संजू, मैं कब तक अपनी विशेष को मारती रहूंगी, या तो तुम अपनी एक्टिंग करियर छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। देखो मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे सिर्फ एक साल का टाइम दे दो, मैं एक्टिंग में कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। एक साल? मैं और ये एक साल नर्क की जिंदगी में नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रुक सकती अब संजू। ऐसे मत छोड़ के जाओ। डोंट टच मी संजू, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं कहीं और टाइम लगाऊं, जिसे मुझे कोई अच्छा लड़का मिले जो कि मुझे शॉपिंग कराए, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, ना कि तुम्हारी तरह पार्क में ले जाके पिकनिक बनाए। हाय को अरे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यार वे मैथों तेरा मन भरया मन भर। एक मूवी के लिए ऑडिशन है, तू आ जाएगा क्या? ठीक है, आता हूं मैं। देखिए आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो एक रोमांटिक एक्टर में होनी चाहिए।
देखिए जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कहीं और ट्राई कीजिए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट। कोई ना संजू, तू ऑडिशन देता रहा यार, कुछ ना कुछ जरूर होगा यार। कब से दे रहा हूँ यार ऑडिशन, अब तो मुझे लगता है कि एक्टिंग के लिए नहीं बना हूँ। अरे नहीं यार ऐसे मत बोल, और इतनी जल्दी हार मत मान। हार ना मानूँ तो क्या करूँ, इतने महीनों से ऑडिशन दे रहा हूँ, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होगा। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है सर, मैं देखता हूँ। क्या हुआ भाई? अरे एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें एक्शन मूवी बना रहे हैं, और इस बार वो किसी न्यू फेस को दिखाना चाहते थे। कास्टिंग लोकेशन सब फाइनल हो चुका है, और कल से शूट स्टार्ट होना था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन जिसका लीड का रोल था उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और कल से शूट स्टार्ट होना था, सब कुछ डन है, और तू भी रोमांटिक एक्टिंग करता है, तू एक्शन नहीं कर पाएगा, वरना मैं तो तेरे को सजेस्ट करता। मैं कर लूंगा भाई। क्या मेरे भाई, एक्शन मूवी है ना कि रोमांटिक। अरे भाई मैं बहुत अच्छे से करूंगा, तू बस मेरा एक बार ऑडिशन करा दे। चल ठीक है भाई, डन है फिर। हाँ भाई तेरा सिलेक्शन हो गया मूवी में, सही बता। और हाँ सुन, अब जल्दी से तैयारी कर ले अपनी शूटिंग की। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तुम्हारी कार है क्या? हाँ, तुम बताओ यहाँ कैसे और कैसी हो तुम? मैं बस ऐसे ही। और बताओ लाइफ में कैसा चल रहा है? और हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है। एक्चुअली वो मेरे साथ साथ दो लड़कियों को डेट कर रहा था। एक्सक्यूज मी सर, सर आप संजू शरावत है ना? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आप क्या एक्शन करते हो, और जो आने वाली सीरीज है ना आपकी, उसका ट्रेलर तो सुपर्ब है सर। थैंक यू। एक सेल्फी हो जाए सर। ये तुम्हारे साथ फोटो क्यों खिंचवा रहा था? तुम इतने फेमस हो गए क्या? एक्चुअली मेरी एक मूवी ऑलरेडी आ चुकी है, और एक मूवी मेरी आने वाली है जिसका ट्रेलर जस्ट लॉन्च हुआ है, नेक्स्ट मंथ रिलीज हो जाएगी मूवी। सीरियसली? क्या संजू, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से अंदर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे वो बस ऐसे, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है चेतना। हाय। हाय। ये मेरी गर्लफ्रेंड है प्रगति। मैं अभी आया, दो मिनट में तुम चलो। हाँ कोई बात नहीं, मैं अंदर वेट कर रही हूँ। संजू मैं क्या सोची थी, आज हम डिनर पे चलते हैं, कुछ बातें भी हो जाएंगी, और क्या पता हम दोबारा साथ भी आ जाएं। प्रगति अच्छी लड़की है, बट यू नो ना, वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी नहीं लगती, हम दोनों ज़्यादा अच्छे लगते थे। तुम्हें पता चेतना, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है। जब बंदा कुछ करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे टोंट मारते हैं, और साथ देना तो दूर, उसका साथ तक छोड़ जाते हैं,
चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, और जब वो मेहनत करके कुछ बन जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो सब आ जाते हैं उसके लाइफ में अपना हक जताने, अपना प्यार दिखाने, दोस्ती दिखाने, भाईचारा दिखाने। तुमने मेरे बुरे टाइम में साथ छोड़ा था, और तुम क्या सोचती हो, मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा जिसने बुरे टाइम में मुझे समझा? तुम गुड लुकिंग हो, तुम्हें कोई भी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो तुम्हें शॉपिंग कराए, महंगे गिफ्ट दे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होगी कि वो तुमसे प्यार करेगा या इस्तेमाल। और थैंक यू सो मच तुम्हारे रिजेक्शन के लिए, क्योंकि तुम्हारे एक रिजेक्शन ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। अच्छा लगा मुझे, बाय। आज हमें पूरा एक साल हो गया साथ में, और हमारी पहली एनिवर्सरी पे मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। संजू, मैंने तुम्हें मना किया था ना कुछ भी देने के लिए। वो सब छोड़ो, बताओ कैसी है हमारी फर्स्ट डेट की फोटो? क्यों नहीं अच्छी लगेगी, मुझे बहुत पसंद आई। आई लव यू संजू। आई लव यू टू।